हेलो गाइस, मेरा नाम है एनिमे ट्यूबर और आपको फिर से स्वागत है एक और नए एपिसोड में एनिमे टॉक्स के। मतलब कि सोचो, 6 महीने बाद मेरी कोई वीडियो आ रही है और आप लोग मेरी ब्राउजर खोल के हेंटाई वाला लाइन को पता नहीं कितने लोगों ने मिस किया, लेकिन मैं फिर से आ चुका हूँ एक नए एनिमे टॉक्स के एपिसोड के साथ, जहाँ पे हम मैं और मेरे दोस्त बात करेंगे कई सारे ऑसम फायर रिलेटेड एनिमे से रिलेटेड। तो मेरा नाम है एनिमे ट्यूबर और मेरे सारे दोस्तों का भी इंट्रो ले लेते। दोस्तों क्यों करो अपना इंट्रो स्ट्रीट। मैं स्ट्रीट यार, इतना कोल ठीक था। माइकी, मेरा नाम है माइकी, मेरा फेवरेट एनिमे नोटो। कारा, सो हेलो गाइस, मेरा नाम है कारा, बाकी वो नो आई लव एनिमे सो मच, इतना कि मैं दिन भर देखता ही रहता हूँ जब मेरे पास फ्री टाइम होता है। फेवरेट एनिमे सोर्ड आर्ट ऑनलाइन एंड ताते नो यूसा। मेरा तो ओवरफ्लो है। ओवरफ्लो? ओह, ओवरफ्लो सही। मेरा ना काटा से मेरे अगले बंदे को बारी दो। हाई स्कूल डीएसडी भी बुरा नहीं है, समझा, देखा जाए तो नहीं, हाई स्कूल डीएसडी बढ़िया। ओवरफ्लो के सामने कुछ नहीं है, मतलब कि हाँ, ओवरफ्लो तो भैया एक अलग ही जगह चलता है। और ये जो बंदा देख रहे हो ना नीचे, ये जो बेरस वाला पोस्टर लगा है, उस पे ध्यान मत दो, उस पे ध्यान मत दो, वो बस वैसे ही आ गया, पता नहीं कुछ बोलता बोलता है नहीं, बस पॉडकास्ट में लाइन में बैठा रहता है। वी के इसका इंट्रो मैं दे दूं, मैं इसकी आवाज में दे रहा हूँ, ठीक है? हेलो गाइस, मेरा नाम है वी के, मैं कोटा को हूँ, फेवरेट एनिमे वन पीस। मेरा अगर नाम को ट्रांसलेट किया जाए तो वी के का मतलब होता है वर्ल्ड किंग, ठीक है? कैसा था इंट्रो वी के की तरह था? वर्ल्ड किंग कैसे? अब तेरा नाम विश्वराज है ना? विश्वराज है नाम उसका, नहीं वी से वर्ल्ड कैसे? अरे तो यार उसने वैसे ही बनाया हुआ है वर्ल्ड किंग, ओके, वी के उसने ऐसे ही रखा, मुझे खुद आज तक समझ में नहीं आया उसके नाम का फेलिंग भाई, समझे? तो मतलब देखो, टाइम पास बहुत हो गया, एनिमे के टॉपिक पे आते हैं। देखो इस साल कई सारे ऑसम एनिमे हमें देखने को मिल रहे हैं। एज फॉर मी, मैं अभी देखा जाए तो 6 या 5 एनिमे सीरीज निपटा रहा हूँ, उसमें से मेरे कुछ ऐसा देख रहा हूँ जैसे कि माय इंस्टेंट किल एबिलिटी, सोवर पावर, टेल्स ऑफ वेडिंग रिंग, और चेन सोल्जर, रॉन्ग वे टू यूज हीलिंग मैजिक, और कौन सा ओवरलोड, मतलब कि ये सब एनिमे में निपटा रहा हूँ। और कारा, माइकी, स्ट्रीट, तुम कौन कौन से एनिमे निपटा रहे हो यार? मैं वन पीस, मैं तो फिलहाल स्पाई फैमिली हो गया, वो सोलो लेवलिंग हो गया, ये सब है। डीमन स्लेयर चले तभी जाओगे, डीमन स्लेयर वही सब आसपास। यार मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मुझे भी डीमन स्लेयर का पता, हाशिरा ट्रेनिंग आर्क देखना है, झूठ नहीं बोलूंगा। वो हाशिरा ट्रेनिंग आर्क है, इन्फिनिटी कासल आर्क, समझ में ही नहीं आ रहा मुझे। हाशिरा ट्रेनिंग है भाई, हाशिरा ट्रेनिंग, हाशिरा ट्रेनिंग, हाँ मतलब की। पर मैं तो भाई, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मैंने कभी डीमन स्लेयर को सिर्फ सीजन के हिसाब से देखा है, मतलब कि सिर्फ मुझे सिर्फ 1-2 सीजन के याद है नाम, जैसे कि डीमन स्लेयर सीजन 2 इन वो कौन सा था, एंटरटेनमेंट डिस्ट्रिक्ट आर्क है ना। मतलब यार कम ऑन, मतलब तुम कुछ भी खेलो यार, डीमन स्लेयर सीजन 2 की जो फाइट थी ना, अभी तक मैं भूला नहीं हूँ। टेंजिन और वो उसका नाम क्या था, वो रियो का कुछ था नाम, रियो थारो, क्या भयंकर फाइट थी यार, मतलब कि तुम वो एक सबसे बेस्ट फाइट थी यार, मैं अभी भी मिस करता हूँ। पता है सीजन 3 में लोग कितना भी बोल ले, मुझे सीजन 3 में कोई इतना एनिमेशन दिखाई नहीं उतना क्वालिटी का, जितना मुझे सीजन 2 में दिखा था, पता है? सबसे जब भी एनिमेशन की बात आती है ना, वो फाइट हमेशा होती है, वो बात, वो फाइट देखो तुम, हाँ देखा जाए तो, हाँ लेकिन डीमन स्लेयर के नए सीजन में तुमने देखा वो जो विंड विंड ब्रीदिंग, वो जो किसका है, वो उसका भाई नहीं, क्या नाम है यार, गेनिया, गेनिया का भाई, हाँ उसकी उसकी जो बैटल, उसकी जो विंड चार्ज मैंने देखा, मतलब एक रील में देखा विंड ब्रीदिंग, क्या भयंकर ब्रीदिंग थी यार, उसमें भी एनिमेशन मुझे बढ़िया लगा, झूठ नहीं बोलूंगा। वो तो है। तुम लोगों ने सुना एनी जो जोरो डॉट थो ना, जोरो डॉट थो ऐप नहीं थी जिसपे तुम लोग एनिमे देखते थे वेबसाइट पे जाके? मैं तो नहीं देखता था, अब बंद हो गया भाई, मैं तो अब नहीं देखता अभी, पहले वो एनी वॉच डॉट हो गया और फिर उसके बाद था जो हाई एनिमे हो गया, मतलब कम ऑन एनिमे वॉच की को मैं आता हूं, तो एनिमे, हां पर अब अभी तो आज वो, मतलब आज वो हाई एनिमे हो गया, मतलब मैंने सर्च किया था, मतलब मैं कुछ ऐसे एनिमे है जो उसके ऊपर ही जाके देखता हूं, ठीक है, जो इंडिया के अंदर क्रंची रोल प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल नहीं है, लाइक ओवरलोड यार, कसम से यार कमाल का एनिमे है, मुझे उसमें कोई भी बुराई नहीं देखी, इतना ब्लड कंटेंट भी नहीं है, मतलब कि शायद ब्लड कंटेंट हल्का सा है, फिलहाल नहीं है ना, अभी तुम आगे देखो, मैंने तो तुम्हें पहले से सजेस्ट कर रहा था। मैं तो देख रहा हूँ ना भाई, ओवरलोड देख रहा हूँ, ओवरलोड अच्छा एनिमे है भाई, सच कह रहा हूँ, सच में एक बार ट्राई करो ओवरलोड को,
वैसे मैं बता रहा हूँ, ओवरलोड देखते देखते ओवरफ्लो पे मत खिसक जाना। हाँ नहीं पता अबे कसम से भाई मैं झूठ नहीं बोल रहा, मैं जब भी ओवरलोड दिखता हूँ लिखता हूँ ना तो ओवरफ्लो आ जाता है। मैंने शायद गूगल क्लिपबोर्ड को भाई यार खुद भी हटाना पड़ेगा यार, प्रॉब्लम हो जाएगी। मतलब कि जब भी मैं बोलता हूँ किसी को, अगर ट्विटर पे मैं पोस्ट करता रहता हूँ यार मैं ओवरलोड देख रहा हूँ, तो पता नहीं अपने आप वो ओवरलोड ओवरफ्लो कैसे लिखा जाता है। भाई ऐसा ना हो कि मैं हाई स्कूल एक दिन लिख दूँ किसी दिन गलती से। वो दिमाग अलग चलता है ऐसा, दिमाग अलग, सही बोला, दिमाग अलग चलता है। मतलब कि ओवरलोड और ओवरफ्लो में बस आगे पीछे का फर्क है, 19-20 का, 19-20 का फर्क है। नहीं पर मैं सबको बताना चाहूंगा, जितने भी हमारे दर्शक इस पॉडकास्ट को सुन रहे हैं, अगर आप एनी भी देखना चाहते हो तो अभी अपनी फैमिली फ्रेंडली एक एनी में देखो जिसका नाम है ओवरफ्लो। याद रखना आपको पूरे परिवार के साथ इसको देखना है ताकि आप लोग अपने परिवार के साथ एंजॉय कर सके, और इसमें बहुत अच्छा फैमिली ड्रामा भी है तो हमें पसंद आएगा, तो प्लीज देखना। कॉमेडी एनीमे तो तुम लुट जाओगे, इस ठरकी की बात ना मानना। भाई एक मिनट मुझे माइकिंग थोड़ी आवाज तेज करने दे, कहा गया। मतलब सही बात तो यार, एनीमे कार्टून है, ओवरफ्लो देखो जाकर, ओवरफ्लो देखो पता है एनीमे। मैं झूठ नहीं बोलूंगा, ओवरफ्लो में कैरेक्टर के जो मूवमेंट थे ना वो मैं आज तक किसी भी एनीमे में नहीं देखे भाई, मैं झूठ नहीं बोलता। बढ़िया एनिमेशन है भाई, मैं झूठ नहीं बोल रहा। और जो कैरेक्टर की बॉडी मूवमेंट थे ना वो तुम बाय गॉड, मैंने आज तक किसी भी एनीमे में मूवमेंट नहीं देखी। कारा मैं बताऊ, मैंने सबसे स्मूथ मूवमेंट कहाँ देखी, कहाँ देखी, जब काजू बाप स्टील वाला वो कोनो सुबह का वो काजू मानी, उसकी उंगलियों की मूवमेंट जो है ना लगता है पूरा बजट उसी पे खर्च कर दिया एनिमेटर्स ने। तुमने वाला सीन देखा था वो लोकडुमाला वो बढ़िया सीन था। देखा है मैंने, जो जो फाइट हुई थी ना, फाइट हुई थी दो जनों के बीच में, बढ़िया सीन था। मैंने भी देखी थी फाइट, बहुत खतरनाक फाइट थी यार, मुझे लगा पूरे दुश्मन हार जाएंगे। वो ओवरफ्लो का जो कौन सा एपिसोड नंबर 7 था शायद, वो है ना 7। एक मिनट स्ट्रीट, तेरी उम्र क्या है? 15। चल बंदा बड़ा हो गया। और सुनो हम किसी को बिगाड़ नहीं रहे, बंदा खुद बिगड़ा बिगड़ाया ठीक है, हमें कमेटी के अंदर कोई भी कुछ नहीं बोलेगा ठीक है। बंदा खुद बिगड़ा बिगड़ाया और हम पे नाम आ जाए, भाई झूठ नहीं बोल रहा। मतलब क्या तो देखा जाए तो हाई स्कूल दी एक दी में भी अच्छे इमोशंस है। मजा है कोई एनीमे देखा, अबे कम से कम इंट्रो और आउट्रो तो देखा होगा ना, मैंने तो इंट्रो और आउट्रो देखा, आउट्रो तो उसका कभी मिस नहीं कर सकता। कारा अगर मैंने देखा नहीं है, अगर तुम ऐसी एचई वाले एनीमे की बात कर रहे हो, मैंने एक देखा ट्रिनिटी 7 और एक देखा सिनेमाई माओनो टेस्टामेंट। नहीं नहीं पर पता है अब ये तो सब है। मतलब भाई झूठ नहीं बोलूंगा, करियर हो तो जॉनी चीज जैसा है कि नहीं। ओके बहुत ठीक है, आप एनीमे की बात करते हैं आराम से, मैं दुकान पे हूँ ठीक है। ओके ठीक है, तो देखो हम नहीं चाहते कि कारा को उसकी माँ से मार पड़े या उसके पिताजी से, तो ठीक है बात करते। देखो अगर किसी को एनीमे देखना है तो मैं अपने लिस्ट में से बताना चाहूंगा जो नया चल रहा है, उसका नाम है द माय इंस्टेंट किल एबिलिटी सो ओवर पावर। पता है एनिमेशन क्वालिटी बहुत बढ़िया उस एनीमे की, स्टोरी बहुत बढ़िया है, मतलब कि यार तुम देखोगे ना उस एनीमे को उसमें आपको अच्छा लगेगा, मतलब अगर तुमने अभी तक नहीं देखा। और दूसरा एनीमे सजेस्ट करना चाहूंगा चेन सोल्जर, भाई झूठ नहीं बोलूंगा एक नंबर की स्टोरी है। हाँ चेन सोल्जर का एनिमेशन बढ़िया है, लेकिन पता है मुझे उससे जलन हो रही है, झूठ नहीं बोल रहा मैं। बंदा नौकर होके भी अपनी लाइफ जी रहा है कि नहीं? वो नया वाला सोलो लेवलिंग भी बढ़िया है। हाँ ठीक है ये तो क्या बोल रहे हो, हम भी एनिमे बनाते हैं। कौन सा? नहीं 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 भाई देख भाई मैं कहूंगा अगर किसी को देखना है ना तो वो वाले एनिमे की तरफ जाओ, क्या बोलते हैं चेन सोल्जर या फिर माय इंस्टेंट किल एबिलिटी सो ओवर पावर्ड। झूठ नहीं बोलूंगा भाई
एक नंबर का एनिमेशन है उसका। अरे भाई मैं सोलो लेवलिंग जैसे एनिमे को पता वेट नहीं कर सकता। सुन मैं जब सोलो लेवलिंग के सारे एपिसोड आ जाएंगे ना तब देखूंगा। लेकिन पता है पूरे ट्विटर पे ट्रेंड चल रहा है कि सोलो लेवलिंग का 7.5 एपिसोड सबसे बोरिंग एपिसोड निकल गया। 7.5 भाई वो तो रिकैप था सारा का सारा, वो तो रिकैप था। हाँ लेकिन मिस्टर बीस्ट तक उससे डिप्रेस यार। मिस्टर बीस्ट का मैंने पोस्ट पढ़ा था एक एनिमे के पोस्ट के नीचे कि वो तक खुद डिप्रेस हो गए उस एपिसोड को देख के। मतलब वो मूवमेंट दिखी नहीं भाई। मैं बताऊँ सबको एराइज का इंतजार है सोलो लेवलिंग में एराइज का। अरे तो भाई एनिमे इसलिए तो देखते हैं बंदे ताकि वो इम्पोर्टेंट चीज देख सके जो उनको देखनी है। मेरी समझ में नहीं आता है क्यों निकालते हैं रीकैप एपिसोड वगैरह। रीकैप निकालने की जरूरत क्या? अगर किसी बंदे को एनिमे देखना है तो पहले एपिसोड से ही देखेगा ना, पहले सीजन से। वो बीच में जाके रीकैप थोड़ी ना देख लेगा और समझ लेगा भाई पूरे एनिमे में क्या चल रहा है। राइट। और हाँ भाई मैं पता इस साल सबसे ज्यादा एक्साइटेड किस चीज के लिए हूँ? किस चीज के लिए? वन पंच मैन सीजन 3 यार कसम से भाई क्या भयंकर ट्रेलर आया है। मैं नहीं हूँ भाई तब भी बढ़िया है। मुझे दो चीजों का इंतजार है सबसे ज्यादा। मुझे बस एक का इंतजार है, सुनो तो पता है किसका? मिनाटो का कब आएगा? मिनाटो मिनाटो अच्छा मिनाटो का वो मिनाटो का वो एपिसोड वन शॉट मांगा वन शॉट सीरीज नहीं मिली थी उसको? वन शॉट सीरीज मिल रही थी ना बीच में कुछ सालों, एक साल पहले वोट हुआ था उसको लेके। हमने अपलोड भी करी थी, मांगा अपलोड करी थी हमने इसकी, अपलोड की थी उसके ऊपर। हाँ उसके ऊपर वीडियो भी अपलोड की थी। और वो मांगा वन शॉट मांगा है ना एनीमे, पता नहीं कब आएगा उसका। लेकिन यार पता है मैं झूठ नहीं बोलूंगा, बात करते वन पंच मैन सीजन 3 को लेके मुझे ज्यादा खुशी होती अगर कोई एनिमेशन उसका मापा कर रहा होता तो। अभी कौन कर रहा है? एसी स्टाफ नाम से कोई स्टूडियो है। और पहले कौन कर रहा था? पहले पता नहीं यार, पहले का भाई मैं झूठ नहीं बोल रहा, मैं एनिमेशन स्टूडियो के सिर्फ 2-3 स्टूडियो जानता हूँ। तीन स्टूडियो ने काम पकड़ा था पहले, पता नहीं मैंने सुना है कि तीन स्टूडियो ने पकड़ा था पहला और दूसरा सीजन, बाद में अब तीसरा और कोई पकड़ रहा है तीसरा सीजन अब कोई और। अरे भाई पर मुझे लगता है यार पता है कुछ भी खेलो, मैं हेट नहीं दे रहा, मुझे खुशी है कि वन पंच मैन का सीजन 3 बहुत टाइम बाद आ रहा है। लेकिन मुझे लगता है कि जो फीलिंग जो मापा दे सकता था ना वो जेसी स्टाफ मुश्किल है। ओके मैं ये नहीं बोल रहा कि मुझे, मैंने अभी देखा नहीं तो मैं इतना कोई डिसीजन नहीं करूंगा कि बुरा है अच्छा, बस मैंने ट्रेलर देखा, वो ट्रेलर मुझे थोड़ा सा वो जो एनिमेशन वाली जो वाइब थी ना वो दिखी नहीं मुझे। यही भाई लोगों ने सोलो लेवलिंग में भी कहा था, नहीं कि अब देख लो। सोलो लेवलिंग के फर्स्ट एपिसोड ने पता है गियर 5 का रिकॉर्ड तोड़ दिया भाई, दो बार क्रैश हो गए करंची रोल के सर्वर। हाँ तो वही तो बोलती थी, मतलब कि जो मतलब यार देखा जाए अगर वन पीस का जो गियर 5 है ना जो फैन को लेके जो एक्साइटमेंट थी ना वो पूरी नहीं कर पाया वन पीस का स्टूडियो, झूठ नहीं बोलूंगा। मतलब बहुत ज्यादा कार्टूनिश कर दिया था उसको, पर सबको लगा था सीजन ब्रेक हो जाएगा, मतलब सर्वर सभी जगह के ब्रेक हो जाएंगे, पर वो वाली फीलिंग नहीं आई मुझे। हल्का ब्रेक तो हुआ था, उतना भी नहीं हुआ था, कार्टूनिश था, बस उतना था कार्टूनिश ज्यादा। हां पर तुम सर्वर ब्रेक की बात करो ना, एक बार सोलो लेवलिंग में एराइज आने दो, देखना क्या क्या ब्रेक होता है एराइज के आने के बाद। भाई पर यार मैं ये कह सकता हूँ पर मतलब जितनी भी खुशी थी ना लोगों को वो हुई नहीं। चलो अब हमने फेवरेट कैरेक्टर वाले पूछो, तुम्हारा फेवरेट कैरेक्टर कौन सा? भाई मेरा फेवरेट कैरेक्टर है साइतामा, नो हेट, झूठ नहीं बोलूंगा, नो हेट, साइतामा मेरा फेवरेट कैरेक्टर है। मेरा फेवरेट कैरेक्टर है स्ट्रॉ हैट वाला वन पीस मंकी री डूफी। ओबिटो उचिया मेरा ओबिटो उचिया। हां बंदे ने सही मेहनत की। मेरा रेमोरो टेम्पेस्ट, तेरा कैरेक्टर सब कुछ बताता है। चलो अब फीमेल कैरेक्टर ओहो हाँ मैं बताऊंगा पुपु वाइपु। देखो मैं झूठ नहीं बोलूंगा, बली गर्ल सेनपाई की जो लड़की नहीं उसका नाम मैंने कभी जाना तो नहीं, वो लड़की बली गर्ल सेनपाई वाली, ठीक है अच्छा समझ गया। हाँ वो माय ड्रेसअप डार्लिंग से
हाँ वो बढ़िया है, बढ़िया हिनाटा मतलब भी यार कुछ बढ़िया है, भी हिनाटा भी बढ़िया है, हिनाटा नाटा भी भी है बढ़िया बढ़िया, लेकिन अब वो शादीशुदा यार, शादीशुदाओं के ऊपर नजर नहीं रख है। सकता आज ये मैं। हम नहीं तो नोटो मारेगा, नहीं तो नोटो मारेगा, नोटो मारेगा। यार मेरी तो कई सारी चुनना बड़ा मुश्किल है। अबे यार एक पता एक काम तू तो मैं एक काम प्लेबॉय मैं बन रहा मैं लेटेस्ट वाले में से बता दे जो मैं देख रहा हूँ। सकाय है। आनागे हाँ आरिसु, सकाय आनागे आरिसु, क्लासरूम ऑफ एलीट से। अच्छा वो जो हाँ एक थोड़ा सा है वो क्यूट है, पता मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ क्यूट है, लेकिन उसको देख के पता है, समझ रहा है ना, लॉलीकॉन वाली फीलिंग आती है। मुझे लगता है कि अगर तू ऐसी कैरेक्टर को पसंद करता रहा ना, किसी दिन कह रहा FBI सबसे पहले तेरे घर पे रेड मारेगी। नहीं मानो तुम एक बार चीज को, वो भी हद से उसको ज्यादा भाई वो क्यूट और ब्यूटीफुल है, उसकी खूबसूरती मैनिपुलेट कर देती है सामने वाले बंदे को। हाँ वो तो है, मैं झूठ नहीं बोलूंगा वो है क्यूट, लेकिन उसको देख के पता, तुम समझ रहे हो ना भाई, समझ रहा है, मतलब अगर मतलब स्ट्रीट स्ट्रीट अगर नजर रखे, स्ट्रीट की उम्र 15 साल है, तो हम समझ सकते कि हाँ ये इक्वल क्रश रखा हुआ है। लेकिन नहीं, पर मैं बताऊं, अगर देखा जाए तो एनीमे में जो चेन सोल्जर आया है ना, उसमें भी कई सारी जो लड़कियां वो भी अच्छी है यार। होगी, मैंने तो हाँ देखा भाई नहीं अभी वन तक। जीरो सिक्स 106 के आगे कुछ नहीं है भाई, 106। वो तूफान दे, वो नरूटो 106 के आगे कोई कुछ नहीं है। 106 कौन है भैया? सबसे अबे वो 106 नरूटो नहीं पता, 106 नहीं की, पता। अबे नरूटो की वो अम्मा जो जवान दिखती है, तू तूने कभी नीचे से उसको एंगल नहीं देखा क्या, कैमरामैन इतने अच्छे से रिकॉर्ड किया था। मेरे को अच्छे से दिखाया था मैंने एनिमेशन कार्ड में कैप्टन भाई प्रोटो देखा, मैंने पूरा कभी देखा नहीं। को, कमाल कर रहा यार, कह रहा यार शेम ऑन यू, कार सबसे पहली वाइफी होगी सबकी, वो सबसे वाइफी होनी मतलब सबसे पहली पसंद है 106। सुना दे तो नहीं करके सुना दे। हाँ हाँ उसी की उसकी बात बात, कर रहे हैं। उसकी बात है, सोनाटी की बात कर रहे हैं, सोनाटे अच्छा सोनाटी की बात कर रहे हैं, उसको 106 के नाम से भी जानते हैं। उसके उसका साइज है ना, उसका साइज ही 106, गिराया तो सेंसर ठीक ने है, पता तो लगाया बाद था। में डिजाइन नोटिस करा था, चेंज हो गया था बाद में। ओए आराम से मेरे चैनल पे कम्युनिटी गाइडलाइंस मत पढ़वा दियो, तुम लोग समझे स्ट्राइक पड़ जाएगी। तुम तो पहली सुनो बात में वो सही पता है से तो स्पाई बना फैमिली, पड़े हो। स्पाई फैमिली ना, स्पाई फैमिली हेंटे बनते आ रही है, स्पाई फैमिली हाँ हाँ डेथ उसको नोट होगा उसको यार भाई उसमें। है ही डेथ भाई, वो तो नोट भाई डेथ भाई वो नोट एक गॉड ओजी एनिमे है, है, तू कोई कुछ नहीं बोल सकता, डेथ नोट में गॉड देखिए में मतलब, गिरा जाता है, गॉड में गिरा जाता है वो, हाँ मतलब वो जो जो बहुत अच्छा है। कीरा की जो लाफ है ना, वो कीरा की जो लाफ है ना, आज तक वैसी हाथी कोई नहीं कह पाए भाई, वो झूठ नहीं बोल रहा, भले हुए कैनिमे मेरे अभी तक रोंगटे खड़े होते उसको सुन के। बता, एक एक करेक्टर है जिसने कॉपी करने की कोशिश करी थी लाफ, एक एरन करेक्टर है आस्के बे, वो सीन बढ़िया था, पता नहीं कैसे करके भी लास्ट में उसको डेड नोट मिल जाती है पूरी, इतना माइंड गेम लगा था, खुद सब कुछ भूल गया, लास्ट में एक पिन से नाम लिखा था गाड़ी वाला हेलीकॉप्टर से जब हुआ था। तो भाई मास्टर प्लान था भाई एल को गिराने के लिए। भाई कह रहा भाई, एल की फट के 64 हो गई थी, जी क्या कर दिया इसने, है कौन सा बंदा, एल तो मर गया था। लेकिन एक बात है, कितने भी साल हो जाए, भले 100 साल बाद वाले हम रहे या ना रहे, लेकिन डेथ नोट जैसे एनीमे को गॉड एनीमे में ही गिना जाएगा। अच्छा तुमने सीजन 2 देख लिया डेथ नोट का? नहीं यार नहीं, ये जो है, ये जो है